जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। एग्जाम की तैयारियां आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज मैं कुछ आप लोग को टिप्स देना चाहूँगा, आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने रिविजन करना है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जा सके। मैं बात करने वाला हूँ कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड LR के बारे में, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज को बड़े गौर से सुनना है, ठीक है, और फॉलो भी करना है बच्चों, तभी जाके आप देखो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ये दिन जो है ना, ये आपके लाइफ के बहुत ही क्रूशियल डेज हैं, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो हर एक दिन को आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से, प्यारे बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया से दूर रहो बिल्कुल अभी, ठीक है। फोन वोन बिल्कुल कुछ नहीं चलाना है, एक कोने में रख दो, ठीक है। अब करना क्या है, कहाँ से तैयारी करनी है सर, अगर मैं सिस्टेट LR की बात करूं, ठीक है, तो एक एक करके आता हूं। सबसे पहले बच्चों आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप लॉजिकल रीजनिंग को पकड़ लो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा पार्ट है ना, यहाँ पे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, किसी की प्रॉपर्टीज याद नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोग अगर इसको बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको पता है कि डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज के आते हैं, ब्लड रिलेशन के आते हैं, है कि नहीं है। जिन बच्चों के पास देखो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, तो वो तो सोने में सुहागा, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग पार्ट सिर्फ आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से कंप्लीट कर लो बच्चों, ठीक है। आप लोग को ना तो ICAI मॉड्यूल करना है, ना पास्ट एग्जामिनेशन देखना है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ओनली, है ना। आराम से देखो 20 के 20 नंबर कैसे नहीं लाते हो आप लोग, है ना। 5-5 का सबका वेटेज है, ठीक है, तो 20 नंबर आसानी से ला सकते हो अगर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को आपने घोट लिया, मतलब उसके क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा फटाफट ले लो, ठीक है। और अगर नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज जो ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो वो जरूर आपने करना है। पिछले 3-4 अटेम्प्ट के जो भी मॉक टेस्ट पेपर है, वो जरूर आप फॉलो करें। और पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, मेरे ख्याल से हाँ 2-3 अटेम्प्ट लगा लो कि पेपर थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का मुश्किल आ रहा है ना। अगर मान लो ये 5-5-5-5, तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो लगा लो कम से 7-8 नंबर के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, पिछले कुछ अटेम्प्ट में। तो बच्चों उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है, और ये सारा चीज हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में मिल रहा है। अगर आप ले पाते हैं तो जरूर लें, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग कर लो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ना तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ना ही प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं। सिंपल आपने प्रैक्टिस करते जाना है बस। एक क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको एक सेंस आ जाएगा कि हाँ भाई इसको ऐसे क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से करना है। लॉजिकल रीजनिंग देखो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे बच्चों, हार्डली अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग का, 3 से 4 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कितना? 3 से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम चलो 5 डेज लगा दिया, 5 डेज मैक्सिमम। तो ये आराम से कर लो। ये करने के बाद ना आपको ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि अरे चल लॉजिकल रीजनिंग पार्ट तो मेरा अच्छे से हो गया है कि नहीं, तो 20 नंबर तो पक्के हैं, 20 नहीं तो चलो 13, 14, 15 कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये वो पार्ट है, यहाँ से आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। अब आता हूँ बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट पे, सर क्या है ये, मैं आ रहा हूँ अब स्टैटिस्टिक्स पार्ट में, ठीक है। LR खत्म हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आ जाओ। अब इसमें क्या करना है बच्चों, जितना भी आपने अभी तक कवर किया है, ठीक है, जितना भी आपने अभी तक कवर्ड, यू हैव कवर्ड, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी के कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया मेरे बच्चों, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन हो गया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, फिर तीसरा आप उठा लो इंडेक्स नंबर हो गया आपका बच्चों, ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया। ये 4 चैप्टर आपने, उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे। हर बार मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि हाँ बस ये चैप्टर करना है उन्होंने, ठीक है, और इतना आपने कर भी लिया होगा। बस इसी को बार बार कंसेप्ट को ना रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये जो दो चैप्टर्स हैं इसके फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूला अच्छे से करना है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो दो हैं नीचे के, इनमें थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया। जिन बच्चों के पास परफेक्ट रिविजनरी बुक है, ठीक है, उन्होंने तो बस इसको डेली पढ़ना शुरू कर दो बच्चे, डेली, ठीक है, परफेक्ट रिविजनरी बुक डेली पढ़ना है, बस पेज पलटो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हार्डली आधा घंटे से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, डेली अगर करोगे तो, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी ये सब कर पाओगे, ठीक है, तो वो करना है आपने, क्लियर। बस ये 4 कर लो, बाकी बच्चे जो हैं अगर प्रोबेबिलिटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी में ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कार्ड्स के ऊपर ये करके चले जाओ, ठीक है, जैसे कॉइन्स के ऊपर पूछा जाता है, या मैं बात करूं डाइस के ऊपर पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उसमें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग क्या करो, प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपने करनी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, रिवाइज द कंसेप्ट, लर्न फॉर्मूला प्रॉपर्ली, थ्योरी फ्रॉम चैप्टर्स, इंडेक्स नंबर एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और कम से कम बच्चे एक तो एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर जरूर डेली बेसिस पे तो टेस्ट, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सेट बी के तो आपने करके ही करके जाना है, बार बार प्रैक्टिस करो, यहीं से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, 70 से 80% आपके बुक से ही आते हैं। बाकी रिवाइज कैसे करना है मैंने कह दिया, जो फॉर्मूले करने वो परफेक्ट रिविजनरी बुक जिनके पास है उनसे करें, नहीं तो बाकी तो आप लोग आईसीआई मॉड्यूल से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। फोकस मेन कौन से चैप्टर में करना है बच्चों, इसमें आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें 14 से 16 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, मैं पहले भी कह चुका हूँ इनमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, लॉस पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपके इनके रूल्स है वो पढ़ने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। और जो बच्चे बाकी चैप्टर्स करना चाहते हैं वो जरूर करें, है ना, जैसे इक्वेशंस हो गया, बहुत इजी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर ही रखा पहले भी, ठीक है। इसके अलावा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज वो आप कर सकते हो, इजी चैप्टर है, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, सेट्स। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों जितना आप लोगों ने कवर कर रखा है ना, उससे आगे अब नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपने अब क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसी तरीके से मॉक टेस्ट पेपर सेट बी के सारे क्वेश्चन करने, कंसेप्ट को डेली, जिनके पास मैंने कहा कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है और परफेक्ट रिविजनरी बुक है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के लिए मैंने क्या कहा, एलआर के लिए खास करके स्पेशली, कर तो ये भी सकते हो आप, पर खास करके एलआर तो जरूर वहां से करना है आपने, ठीक है। और परफेक्ट रिविजनरी बुक से जो फॉर्मूलेज हैं बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, वहां से आप कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है बच्चे, आप लोग आईसीआई मॉड्यूल फॉलो करें, क्लियर है।